या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे मियां। अक्कलकोट तालुक्यातील हेळ्ळी गावातील 9.5 एकर जमीन खासगी सावकारांनी हडप केल्याची तक्रार बशीर बाबू मुजावर आणि बाबू बादशाह मुजावर यांनी अक्कलकोट दक्षिण पोलिसात तक्रारीद्वारे केली आहे। फिर्यादी बशीर मुजावर आणि बाबू मुजावर यांची अक्कलकोट तालुक्यातील हेळ्ळी येथे 9.5 एकर शेतजमीन आहे। काही वर्षापूर्वी या दोघांनी सावकार गुंडप्पा आंदेवाडी, सलमान मनुरे, बादशाह मनुरे, समीर मनुरे यांच्याकडून काही पैसे व्याजाने घेतले होते। व्याज देऊन ही या खासगी सावकारांनी मुजावर यांना त्रास दिला व त्यांची शेतजमीन परस्पर दुसऱ्यांना विकून टाकली, शेतजमीन हडप केली अशी तक्रार बशीर मुजावर आणि बाबू मुजावर यांनी पोलिसात व लोकप्रधान न्यूज चॅनल कडे केली आहे। सावकार सलमान मनुरे, बादशाह मनुरे, समीर मनुरे या तिघांकडून व गुंडप्पा आंदेवाडी यांच्याकडून वारंवार पैसे देण्यासंदर्भात धमकी मिळत असून शेतातील घर सुद्धा जेसीबी लावून काढून टाकतो अशी दमदाटे होत असल्याची तक्रार मुजावर यांनी केली आहे। विशेष म्हणजे फिर्यादीने अक्कलकोट दक्षिण पोलीस स्टेशन मध्ये सावकारकीची केस घ्या असे सांगितले असताही पोलिसांनी त्याचा जबाब व्यवस्थित घेतला नसल्याचा आरोप देखील मुजावर यांनी यावेळी केलाय। हाँ, क्या नाम तुम्हारा? बाबू। पूरा नाम बोलो। बाबू बादशाह मुजावर। कहाँ के रहने वाले? हेड़ी वाले। हेड़ी तालुका? अक्कलकोट। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये जमीन के बारे में भी क्या? जमीन सो भी चल रही है। कौन लूटे? वो मनोरे। कौन है मनोरे? मनोरे वो हाँ वहाँ से ब्याज बैठी धंधा करने वाला है। कितने एकड़ जमीन दे दे? 9.5 एकड़। 9.5 एकड़ क्या करके दिए थे? हमें पैसे बारे में वो सब बोर बीर सब करी खर्चा करके बोर पाइपलाइन सब करके उसके पैसा भाई मैं जरा कर्जा हुए ऐसा नहीं देने वो गन्ना दू सो भी दूँ उनको मैं उसमें मैं 3 बोरा करी उसे हाँ। लेवल करी हूँ सब वो खेत को पैसा भाई मैं बाकी उसे सब सीधा पैसे लेते वो पहले 1-2 लाख रुपये में वो तो जमीन सब ये करी मैं लेवल पाइपलाइन है ये बोर लाइन है ये सब कर लिया मैं। ब्याज से कितने पैसे लिए थे आज तक उनके पास से पैसे कितने लेंगे? ये 1.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख है। हाँ। कौन है वो साहूकार नाम क्या? दूसरा वो नहीं गुंडू गुंडू के नहीं हमें लिए थे गुंडू उनको करे गुंडा पकड़ ले नहीं तो पैसे हाँ गुंडा पकड़ कितने टके से दे सो 1.5 लाख उसके पास ही 2 लाख 1 3 लाख 1 कितने टके से दे सो पैसे कितने टके ले तो हमारे पास ब्याज है नहीं 2 टके हाँ। अभी उन्हें क्या करें दूसरों को बेचा गया खेती हाँ हाँ तुम पैसे देंगे उसे नहीं पैसे ब्याज दिए नहीं हाँ ब्याज दूँ ब्याज दूँ कितना दे 1 लाख रुपये दूँ हाँ और क्या नहीं गन्ना भी दिया बोल रहे थे गन्ना दूसरे के दूँ गन्ना दूसरे हाँ ये मनोरेग दूँ गन्ना 2 साल मनोरेग दूँ गन्ना हाँ क्या तुम्हारी खेती गई घर गए हाँ तीन एकर हाँ नाम क्या है तुम्हारा बशीर मुजावर रहने का है हेली क्या हुआ तुम्हारे साथ बोलो खेत आजाद जी दिया था उसको ब्याज सब गन्ना तेरा खेत छोड़ दूँ गन्ना सब दाल मेरे नाम से मैं तेरा खेत छोड़ दूँ मेरे को बोलिया हाँ। अभी मेरा खेत नाम से दाल तेरे पैसे लेकर तो तू समझ नहीं मेरे को तू कौन पूछने वाला बोलता अभी गन्ना डाली उसके नाम से ब्याज में अभी तुम्हारे को परसों जो मारा मारा यही चीज ब्याज नहीं देने को कितनी ब्याज में मारा था उन्हें ब्याज दे वो पहले की ब्याज बोलता नहीं तुम्हारे रहने के लिए कहा तो वो खेत में है अभी हाँ। तो वो खेत खाली करो कैसे क्या बोल रहा था क्या वो क्या बोल रहा था तुम्हारे पतरे सब लिया को जैसे भी फेंकता यहाँ कौन रहते तुम्हारे खेत है क्या बोलता हाँ। तो तुम खेत कब लिखो जैसे तुम खेत ली को 1-2-3 साल हो गए 2-3 साल हाँ 2-3 साल सब ब्याज में वो गन्ना डाले तो उसके नाम से गन्ना दिए हाँ गन्ना डाले कितने साल गन्ना डाले 2-3 साल गन्ना डाले फिर बाद में नहीं दिया नहीं ब्याज में जो गन्ना डाले ब्याज में गन्ना ना ब्याज में गन्ना ले जाता हूँ बोले उसके नाम से डाले ब्याज नहीं दे क्या उनको ब्याज नहीं गन्ना डालता हूँ भाई गन्ना डाल लिया उन्हें उसके नाम से हाँ बोले ऐसा मैं ब्याज में ले जाता हूँ बाकी क्या है तू दे गए बात कौन कर दी अभी उन्हें कर रहा है उन्हें कर रहा है हाँ तुम वहाँ खेत में तुम रहती क्या वहाँ काम भी करते हैं वहाँ खेत में रहते हैं हमें पानी गन्ना सब ये कर को उसको अच्छा लगा ये करने को सब तुमस करते हैं ज़्यादा तुमस करते हैं हाँ हमें करे सब सब अभी भी तुमस हाँ। करते हैं परसों आपको तुम तुम्हारे को क्या करे आपको हाँ रब्बा को मारे हाँ। मार को ये कर को तुम्हें ऐसी जाओ हमारे खेत है लेस है हमें तुम क्या तुम्हारे क्या यहाँ
तुम्हारे पत्र छेड़ा सब उगाड़ते बोले। ब्याज के बारे में क्या? ब्याज के बारे में, ब्याज देना नहीं, ब्याज भरना, ब्याज मांगते हैं अभी। इतना जी ब्याज वो तुम्हारा खत्म हो गया ब्याज में, अभी गाँव अभी दिए तुम्हारा नाम से नहीं हो, हमारा है खेत तुम्हारे यहाँ शुक्र जब मानी बसु मानी बोल को है। बसु माने और हाँ वो मणुरी मणुरी गुंडापा। हाँ क्या कितने साल से ब्याज भर रही? 4-5 साल भी आई तो ब्याज खा रहे उन्हें। हाँ पुलिस कंप्लेंट करे बाद पुलिस क्या बोले तुम्हारे? अरे पुलिस को क्या बोले, ऐसा कैसा हमारे खेत उन्होंने आग मार रहे हैं, मारे तो नहीं ये कर रहे हैं, ऐसा कैसे मार रहे हैं साहब, हमारे ब्याज दिए तो भी ये कर रहे हैं, भी आग घर उकाड़ो वो उकाड़ो तुम्हारा जैसी भी ये करता हूँ छेड़ा उकाड़ता हूँ बोल रहे हैं। पुलिस को तुम बोले क्या? मैं पुलिस को क्या बोला, ऐसा ऐसा ब्याज से ब्याज भरे उसको गन्ना उसके नाम से डाले ब्याज में ले जाता हूँ बोले तो ब्याज दे तो भी हमारा मार रहे हैं जो बोल को पुलिस को बोले हमें अभी बोलने को उन क्या कहें पुलिस ऐसा हम बोले सो नहीं लिखा ब्याज के लिखो बोले हमें ब्याज ब्याज के बारे में मारे अभी ब्याज के बारे में नहीं लिखे वो ऐसा नहीं लिखे उन्होंने पुलिस बोले हमें ऐसा कैसा साहेब वो ब्याज के बारे में ये मार रहे हमारे आपको हमारे अम्मी को हमारे अब्बा को घर में मार रहे आग रात को और डरा रहे मारने ये कर रहे ऐसा लिखो बोले तो नहीं लिखे पुलिस साहब। क्या गुंडे हैं क्या? हाँ गौन की गुंडे कौन आते किसको लाते ला छोड़ता नहीं किया तो तुम्हारे क्या है यहाँ बोलते। मटन चिकन साठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस येथील प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल बड़े मियाँ पाया ताहरी मटन बिर्याणी चिकन बिर्याणी मटन शीक चिकन 65 आदि मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बड़े मियाँ। मटन मध्ये बीफ मटन राइस बीफ चीज अंगुरी बड़े मियाँ स्पेशल मटन मटन अंगारा मटन कड़ी खीमा मसाला चिकन मध्ये चिकन राइस चिकन मालवणी स्पेशल बड़े मियाँ चिकन चिकन चीज अंगुरी चिकन टिक्का चिकन हैदराबादी बटर चिकन कढ़ाई चिकन मसाला असे भरपूर आइटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी चिकन बिर्याणी बीफ से स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेल मध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोय ही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर बेस येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बड़े मियाँ। आमचा पता हॉटेल बड़े मियाँ विजापूर बेस सोलापूर